हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने बात किया था कि निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है डाउन साइड में, तो 22,282 का लेवल निकल के आ रहा था, यानी वो लेवल तक निफ्टी एक बार टच करना चाहिए। फिर निफ्टी का लेवल 21,160 का लेवल था और बैंक निफ्टी भी हमने 47,700 की बात की थी, तो ये तीनों लेवल हमारा टच किया मार्केट ने। आप अगर कल की वीडियो देखें तो यहाँ पे जाके पता कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा डेटा था जो मैं बता रहा था कि मार्केट में ये लेवल टच होने वाले हैं। चलिए, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, यानी कल आपको कैसे ट्रेड करना है। देखिए, वर्ल्ड मार्केट बेरिश है, यहाँ पे अभी ईरान एंड इसराइल दोनों में क्या है, एक अच्छा वार छिड़ गया, तो क्या है? मार्केट को इफेक्ट डालेगा? डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, बड़ा प्लेयर क्या पोजिशन बना रहा है, ये सब कुछ हम बात करेंगे, क्योंकि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे डेटा के ऊपर कि क्या यहाँ पोजीशन बन रहा है, और आप अगर ऑप्शंस बायर हैं या ऑप्शन सेलर भी, तो कैसे आपको पोजीशन टैकल करना है। अभी देखें 22,424 के ऊपर मार्केट क्या है, निफ्टी 22,272 के ऊपर क्लोजिंग है, एवरेज इसका बहुत ऊपर है। आज हमारे रिटेल ट्रेडर ने 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या फ्यूचर में लॉन्ग किया, यानी इनके पास कल न्यूट्रल था, यहाँ से वो 44,000 बुलिश हो गए। यानी क्या किया उन्होंने, आज बाई किया फ्यूचर में, और जो इनके पास शॉर्ट था वो क्लोज किए, दोनों साइड से ये बुलिश हो गया। एफआई डीआई क्या किया, डीआई के पास ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशन पड़ा हुआ, अभी उसने क्लोज नहीं किया, 16,000 से थोड़ा सा लॉन्ग उसने क्लोज किया। FII के पास जो भी लॉन्ग था वो पोजीशन क्या हुआ, क्लोज हो गया, 33,000 क्या था इनके पास लॉन्ग था, इससे पहले देखिए 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स था, उन्होंने आज 19,800 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग क्लोज कर लिया, 18,600 यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट क्लोज किया। तो जब FII लॉन्ग पोजीशन बना रहे थे, हमने मार्केट को वहीं पे टॉप पकड़ा। आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो यहाँ आप जब मार्केट 22,700 के पास था, 22,650 और ये देखिए, तो इन्होंने एक अच्छी खासी 20,000, 10,000 और 41,000 ये लॉन्ग पोजीशन बनाए हुए थे। यहाँ अगर आप डेटा सही से नहीं स्टडी करेंगे, यानी आपको रिलेटेड डेटा नहीं समझ में आएगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि FII यहाँ पे बुलिश थे, लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने जितनी क्वांटिटी लॉन्ग की थी फ्यूचर में, उसके 10 times उसने क्या किया, पुट बाई किया था, 10 times उन्होंने क्या किया, पुट बाई किया था, और वो क्या किया, उनको ह्यूज प्रॉफिट दिया। तो ये स्ट्रेटजी होता है हमारे FII का। अब इनके पास क्या है, अब इन्होंने क्या किया, लॉन्ग पूरी क्लोज कर दी, यानी लॉन्ग पूरी क्लोज कर दी, तो ये क्या किए होंगे, पुट बाइंग की पोजीशन क्लोज कर लिए होंगे, उसको डेटा में देखेंगे। यानी यहाँ से मार्केट अब नीचे जाने के चांसेस नहीं हैं, तो नीचे अगर जाएगा भी तो आपको दिखाना जाएगा कहाँ तक जाएगा, एक दिन के और डेटा का हम वेट करेंगे, लेकिन आज अब बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं है। मैंने आपको दिखा दिया डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। प्रो ने क्या किया, 20,000 इनके पास शॉर्ट पोजीशन था, आज उन्होंने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन बनाई, तो 20,000 ही रहा। तो अगर डेटा के ऊपर बात करें यहाँ, तो यहाँ रिटेल ट्रेडर ऐसे बुलिश हैं, बाकी हमारे तीनों प्लेयर बेरिश हैं, लेकिन बेरिश होने का कारण इनका क्या है हमने बता दिया। अब चलिए स्टॉक्स फ्यूचर में देखा जाए, 41% सेम पोजीशन इनके पास है रिटेल ट्रेडर के पास, 53% DI शॉर्ट करके बैठा हुआ है, FII अभी 4% भी कैरी कर रहा है, और प्रो यहाँ पे 7, यानी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट यहाँ नहीं हुआ है। अब मेन डेटा हमारा ऑप्शंस का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का होता है, यानी यहाँ इसमें से मैक्सिमम कल डेटा क्लोज हो जाएगा। तो लाइव का भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो कैरी करके जा रहे हैं उसका भी बहुत मीनिंग है। रिटेल ट्रेडर के पास 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या था, कॉल की बाइंग थी, आज मार्केट डाउन साइड हुआ और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, कॉल की बाई करना शुरू कर दिया। हमने वीडियो में भी बात किया था कि वो कॉल की बाई करेंगे, 16,54,000 उन्होंने क्या किया, सारे इंडेक्स मिलकर कॉल की बाइंग, सेलिंग 11,81,000, तो नेट बेसिस पे 4,72,000 उन्होंने क्या किया, कॉल बाई किया, एक बहुत ही अच्छा क्वांटिटी है जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश दिखा रहा है। अब इनके पास ऑलरेडी जो है पुट की जो है सेलिंग पड़ी हुई थी 4,32,000, यहाँ पे उन्होंने पुट बाई किया 3,69,000, सेलिंग कम की 1,92,000 उन्होंने क्या किया, पुट बाई किया, कॉल की बाइंग की भी, पुट की बाइंग की। ये फ्रेश पोजिशन, आप फ्रेश पोजिशन देखिए, जो 15 का फ्रेश पोजिशन, कॉल की बाइंग 4,72,000,
पुट की बाइंग 1,92,000, कॉल की बाइंग ज़्यादा है, यानी यहाँ पे ये बुलिश हैं, लेकिन अभी भी इनके पास पुट की राइटिंग 2,42,000 पड़ा हुआ है और यहाँ पे नेट टू नेट 5,03,000 कॉल की बाइंग, ये दोनों पोजिशन इनका बुलिश बता रहा है। तो मार्केट एक बार आपको और जर्क देगा, जर्क देगा ताकि आप पुट में पोजिशन बनाएं या फिर कॉल की राइटिंग करें। चलिए ये तो हो गया। रिटेल ट्रेडर के साथ FII एंड DII प्रो क्या किए हैं। FII के पास कॉल की बाइंग पड़ी थी 41,000 जबकि 1,59,000 पुट की बाइंग पड़ी थी। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसने पोजिशन बाई की थी। आज उसने थोड़ी सी कॉल की सेलिंग बढ़ा दी 4,04,000, 2,58,000 कॉल की उन्होंने बाइंग भी की, नेट टू नेट 1,04,000 वो सेलिंग में आ गया इस कॉल की सेलिंग में, यानी कॉल सेल किया, थोड़ी सी यहाँ पे बियरिस पैटर्न अभी बना के जा रहा है, यानी बुलिश पोजिशन बनाए हैं बियरिस। पुट साइड इनके पास जो पोजिशन था 1,59,000 की पुट की बाइंग की, यहाँ पे उसने आज पुट की सेलिंग ज़्यादा कर दी 2,56,000, 1,82,000 बाइंग भी किया, तो नेट टू नेट 78,000 अभी पुट की बाइंग है थोड़ी सी, कॉल की राइटिंग पुट की बाइंग, ये दोनों क्या है बियरिस पोजिशन, यानी प्रो कहिए FII भी बियरिस है सॉरी। अब प्रो क्या किया है, प्रोप के पास पुट की बाइंग पड़ी हुई थी कल तक, मैंने बात भी किया था आपको, कल फ्रेश पोजिशन उन्होंने बनाई थी, जब भी वो बाई करके जाता है मार्केट अपने डायरेक्शन में लेके आता है, और आज देखिए अब अच्छी प्रॉफिट उसने की। कॉल साइड उन्हें एक अच्छी कॉल की सेलिंग की लगभग 6,39,000 और यहाँ पे उन्हें बाइंग ओनली 3,14,000 किया, 3,12,000, नेट टू नेट 3,99,000 इनके पास सेल हो गया कॉल का, यानी कॉल उसने राइट किया एक बियरिस पोजीशन, और पुट के पास अभी भी उनके पास 1,14,000 बाइंग पड़ा हुआ है, तो ये भी एक बियरिस है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बियरिस है, यानी हमारा बड़ा प्लेयर यहाँ पे भी बियरिस बैठा हुआ है। तो मार्केट जाएगा तो कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ तक नीचे जाएगा, अब ये पोजिशन आता है। चलिए फ्यूचर की पोजिशन हम जान लेते हैं कि यहाँ पे अगर पोजिशन क्लोज किया गया है तो कहाँ पोजिशन बनाया गया है। देखिए टोटल इंडेक्स में 38,000 शॉर्ट पोजिशन बनाया गया, जिसमें से निफ्टी में 26,000 और 10,000 बैंक निफ्टी, मैंने ये दोनों इंडेक्स में ज़्यादा शॉर्ट पोजिशन बनाया गया है। अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अभी अगर निफ्टी का सपोर्ट देखा जाए तो जो एक्सटेंशन था सपोर्ट का, एक्सटेंशन था 22,282, ये लेवल आप देख सकते हैं कल ड्रा हुआ था, यहाँ तक आके क्लोजिंग दिया। अब इसके मैक्सिमम कहाँ होगा 22,233, ये लेवल, इस लेवल के पास मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आ सकता है अभी, आ यहाँ से बाउंस बैक करेगा फर्स्ट टारगेट 22,360 क्या है यहाँ इसका हर्डल है 360, जब तक ब्रेक नहीं करता है आप फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाइए, और 360 ब्रेक कर देगा तो यहाँ से 200 पॉइंट 22,500 का टारगेट हो जाएगा निफ्टी का, निफ्टी का ये टारगेट। चलिए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो 47,750 का एक्सटेंड होके सपोर्ट आया था, ये अगर आपको यहाँ से एक्सटेंड होगा 47,500, यानी इसका नेक्स्ट सपोर्ट 47,500, तो लॉन्ग कब होना है आपको बैंक निफ्टी में 47,810 के लेवल ऊपर चलेगा तो लॉन्ग पोजीशन बनाइए 48,000 का, और स्टॉप लॉस डालिए 47,747 का, डाउन साइड आता है तो 47,500 का टारगेट होगा। अभी एक और हम सीट है जिस पे देखेंगे अपना ऑप्शन चयन का, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या एक्सपायरी थी 21,160 का लेवल हमने बात किया था कल, इस लेवल का रेस्पेक्ट किया, अब यहाँ से अगर डाउन साइड आता है तो 21,055 ये लेवल आपको लॉन्ग होना है 21,170 के ऊपर, 70 के ऊपर सस्टेन करेगा टारगेट 21,300 का होगा दोस्तों, नीचे में 21,055 का है लेवल। मिड कैप निफ्टी आज बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं किया, 10,780 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से इसके अपसाइड के टारगेट 10,850 का लेवल होगा। तो ये हमारा रहा डेटा, FII कैश में सेल की है, DIY की है। अब ऑप्शन चेन के बेसिस पे कहाँ पे पोजीशन बन रहा है सबसे ज़्यादा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है सपोर्ट। अभी देखिए
22,171, रेजिस्टेंस 22,317 का, न्यूट्रल पॉइंट 22,244, क्लोजिंग मार्केट वहीं पे दिया, रेंज 21,100 से 22,583, अभी ये इस वीक का रेंज है, ये रेंज है। राइटर देखें आईटीएम में 80% जो है वो पुट में बैठा हुआ है, एटीएम में भी 76, ओटीएम में 42, ओवरऑल 53, यानी राइटर थोड़ा सा पुट में है, बायर भी पुट में बैठा हुआ है, बड़ा प्लेयर बाइंग भी कर रहा है, तो डेटा दोनों क्या है, मिक्स है। ग्रेविटी क्या है, 22,300 की 22,400 की, यानी 300 के नीचे जो गया है वो आपको दिखाने के लिए गया है, अभी 300 के नीचे का चांसेस नहीं है, तो एक बार 22,300 से 400 के बीच ये कल मार्केट आएगा। बाकी लाइव का डेटा हम जरूर देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बैंक निफ्टी 47,653 का यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस 47,900, न्यूट्रल पॉइंट 47,780, क्लोजिंग वहीं, राइटर 87% कॉल में, यानी यहाँ बैंक निफ्टी बेयरिश है और बायर भी पुट में बैठा है, 46,900 से 49,000 का रेंज है, तो ये अपने क्या है, सपोर्ट के आसपास आ रहा है अभी, 47,800, 48,000 इस दोनों के बीच है ग्रेविटी, ऊपर आएगा 47,800 से ऊपर, लेकिन डेटा बेरिश है। और आज जो अभी आपको फिन निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी देखा जाए, कल जो होना है 83% यहाँ पे क्या है, राइटर बैठा हुआ है 83% कॉल में, 21,000 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 21,282 का, न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे है मार्केट उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है, बायर भी पुट में बैठा हुआ है 21,300, 21,150, ये दोनों क्या है, ग्रेविटी है, क्लोजिंग यहीं पे है, बेरिश है फिन निफ्टी। मिड कैप निफ्टी यहाँ से बुलिश लग रहा है, यानी आपको 67% जो है वो पुट में राइटर है, बायर थोड़े से पुट में है, लेकिन 10,820 का यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है, सपोर्ट्स 10,767 का, 810 का है, ये डेटा रहा दोस्तों। और ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस करते हैं, लाइव में सब डिस्कस करते हैं, आप अगर टेलीग्राम चैनल को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए 22,300 का सपोर्ट था, मैंने बोला कि मार्केट इसके ऊपर आना चाहिए, 48,000 था रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों, 21,200 का यहाँ पे जो है वो सपोर्ट था, वहाँ से फिर निफ्टी थोड़ा ब्रेक हुआ, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया था। ये सब कुछ आपको सीखना है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का पसंद अपना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वाइज से जरूर सलाह लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होल्ड करिए, डेटा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए आता है, इसके आधार पर कोई भी कॉल या पुट कोई भी बाई नहीं करिए दोस्तों, अपनी खुद की एनालिसिस करिए। मिलते हैं कल आई मार्केट में, तब तक के लिए जय जय भारत।